हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वर्जीनिया में सर्दी है तो मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। अब आप सोचो कि शायद भाई सर्दी है, कंबल में जाके छुप जाओ। नो, मैं गरीब थोड़ी हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। चलते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, आपको दिखाऊंगा और आपको साथ साथ सिखाऊंगा कि आपने अपना अमेजन का, आपने अपना रियल स्टेट का, आपने अपनी जर्नी स्क्रैच से कैसे शुरू करनी है और आपने ऐसा लाइफ कैसे जीना। आप जो ट्रैवल में करो उस पर $40,000-50,000 का खर्च आएगा सिर्फ इस वेदर से निकलने के लिए, ताकि मैं आइलैंड पे जाऊँ, मुझे सुकून मिले। इस सुकून को पाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। एक गरीब इंसान ये नहीं कर सकता। ब्रिटिश आइलैंड के लिए हमें वीज़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऑन अराइवल जो है एंट्री मिल जाती है, सिर्फ पासपोर्ट दे देते हैं। चलते हैं ब्रिटिश आइलैंड, लेट्स गो। फ्लाइट जो है डिले हो गया है। फ्लाइट जो था 6:20 को था, लेकिन 9 को टेक्निकल इशू की वजह से जो है फ्लाइट डिले है, तो इसलिए मैं यूनाइटेड क्लब में बैठा हूँ। इस क्लब में वो लोग आते हैं जिनका फर्स्ट क्लास टिकट हो। ये एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, पर आपको खाना मिलता है, कंफर्टेबल सीट, शोर नहीं होता, एक पुरसकून माहौल, आपको सोने के लिए जगह भी दिया जाता है अगर आपने काम करना है। सो लोग बैठे हैं। सो अभी एक ही घंटा है फ्लाइट में, हम जाएंगे सैन जुआन, ये पोर्टो रिको का एक आइलैंड है, वहाँ पे स्टे है। उसके बाद जो है हम ब्रिटिश आइलैंड पे जाते हैं। सो फ्लाइट में बोर्ड होके फिर मैं आपको सैन जुआन का नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये रिजॉर्ट है, चेक इन किया है, आए आपको रिजॉर्ट दिखाता हूं। ये बीच टावर्स दिए हैं, ये जो है बालकनी है। बालकनी आप देख सकते हो सी व्यू के साथ, इसे ब्रिटिश आइलैंड कहते हैं। ये टेरिटरी जो है ब्रिटिश के साथ है। नेक्स्ट दूसरा आइलैंड है वो अमेरिका के साथ। आपको अगर आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, आपको इसकी वीजे की जरूरत नहीं है। ये बेडरूम है, एंड बाथरूम बहुत कूल है। ट्रस्ट मी, द शावर प्लेस इज रियली अमेजिंग। लाइक लुक एट दिस प्लेस, लिटरली जो है हेवन है। ये आपको जो है टॉवल्स दिए है, सब कुछ। बात करेंगे नेक्स्ट साइड हसल के बारे में। आपको मैं आइलैंड भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट साइड हसल के बारे में जो आप $0 से शुरू करते हो कि हम कैसे शुरू करेंगे। 23 का सबसे बेस्ट साइड हसल, मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बहन और भाई शुरू करे $0 इन्वेस्टमेंट से, और आप कोशिश करें कि हर साल $1,000,000 देकर। हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि यू साउंड अनरियलिस्टिक। कभी भी रियलिस्टिक चीजें मत करो। अनरियलिस्टिक साउंड जो करता है वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। अब अगर आप एक बंदे से कहो कि मुझे बिलियनर बनना है, वो बेवकूफ बंदा कहेगा कि बी रियलिस्टिक। जो बंदा रियलिस्टिक होता है वो हमेशा 2% का होता है, जो बंदा रियलिस्टिक ना हो वो हमेशा बड़ा काम करता है। आप 2023 का बेस्ट साइड हसल जो जीरो मनी से आप शुरू कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग लीड देना है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो है अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, अलीबाबा के साथ, सीजे के साथ, सुपर के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ। और ये मैं जुबानी नहीं कह रहा, आप लोगों को पता है कि मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो चीज़ मैं खुद करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक कंपनी का पार्टनर स्टैक का डैशबोर्ड देके, और इस्लाम में 3 गवाह होते हैं, मैं 3 बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ। आप स्क्रीन को जो है 3 बार रिफ्रेश करके, ताकि आपको मैं स्क्रीनशॉट अगेन, मैं उन लोगों में नहीं रट्टा मार लोगों में से नहीं कि मैं रट्टा लगा के आप लोगों की ये करो वो करो, ना मुझे आपकी व्यूज से जो है तरक्की मिलती है, ना तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से।
तरक्की मुझे तुम्हारे तरक्की से मिलती है, अगर तुम कामयाब होते हो तो खुदा जो है मुझे उठा लेता है, जितना मैं तुम्हें उठाता हूँ उतना अल्लाह जो है मुझे 10 गुना उठा लेता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जितने भी लड़के हैं अपना सेल पोस्ट करते हैं एंड उनकी माई दुआई करती है मैं और ऊपर तरक्की तरफ जाऊँ। सो मेरा डैशबोर्ड आप देखिए, मेरा नेक्स्ट पे आउट जो है ओवर $6,000 का एक कंपनी से, मैं 7 कंपनियों से ज़्यादा अफेयर मार्केटिंग करता। सो आप सोचिए कि एक कंपनी आपको 6,000 देता है मंथली, लेट्स से एक कंपनी से आप 1 लाख साल का बना और आप 10 कंपनियों के साथ करो, अमेजन के साथ करो, सब कुछ के साथ, पैसिव नंबर वन। आप सेकंड पैसिव इनकम जो 2023 में है आपका डिविडेंड स्टॉक होना चाहिए जो 100% पैसिव। वीडियो में आगे मैं आपको ब्रिटिश आइलैंड भी दिखाऊंगा और हर एक चीज का जो है तफसील से बात करेंगे। सो पहला पैसिव 100% आपका अफिलिएट मार्केटिंग हुआ, सेकंड आपका डिविडेंड स्टॉक हुआ। मैं आपको कुछ कंपनीज दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं टिकर्स डाल दूंगा, यहाँ पे भी जो है आप स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हैं, ये हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियां। बट मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे से शुरू करो। अब तुम कहोगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ और मुझे हाई डिविडेंड यील्ड मिले, इट्स ओके, छोटे से शुरू करो। अगर आपको $100 भी महीने का पैसा मिलता है छोटे से शुरू करो। सो बढ़ते हैं आयरलैंड के नेक्स्ट व्यूज़ की तरफ, आपको व्यूज़ दिखाऊंगा। हमारा थर्ड जो होगा मेन अमेजन होलसेल के बारे में होगा। रात का खाना हम यहाँ पर खाते हैं, अगर हम लेट हो जाए तो रिजॉर्ट के पास अपना रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने बीच है, अंधेरा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये फायर प्लेस है, यहाँ पे अगर आपने बैठना है यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सेट। ये रेस्टोरेंट है, बड़ा ही प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो बंदा रिजॉर्ट बुक करता है यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है। अगर आपने रिजॉर्ट बुक भी नहीं किया इट्स ओके, यू कैन स्टिल कम एंड ईट। ये इनका रिसेप्शन है, सिटिंग एरिया देखिए, लाइक अंदर भी बैठने की जगह है। वाओ, इंटीरियर देखे, दिस इज अमेजिंग। कितना प्यारा है, राइट? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। विंडोज देखे, वाओ। मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, ऊपर भी जो है बैठने की जगह है। यहाँ पर जो है आई थिंक ये नीचे जाने की जगह है, राइट? नहीं, इससे भी और ऊपर जा सकते हैं। दिस इज अमेजिंग, लाइक मैं तो हमेशा कहूँगा गुलामी जो है सैनोर गुलामी, आई थिंक ये वहाँ से एक्सेस है, आई थिंक वहाँ भी जाने का। लेट्स सी, लेट मी शो यू। आई नो अंधेरा है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो इट टू यू गाइस। दिन में भी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आई थिंक वहाँ पे जो है बैठने की जगह नहीं है। इट जस्ट लाइक दैट, बात करते हैं अमेज़न FBA की। और FBA में आपको पता है दो मॉडल्स है, एक होलसेल है और एक जो है प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में भी दो मॉडल्स है, एक ब्रांड प्राइवेट लेबल है जो लोग अपना ब्रांड्स बनाते हैं, दूसरा जेनेरिक में सेल करते हैं। जेनेरिक का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जिस शेप में फैक्ट्री से निकलता है उस शेप में आप सेल करते हो, ना उस पर लोगो होता है, कुछ भी नहीं होता, उसका कोई नाम, जिसे हम लावारिस कहते हैं। जेनेरिक आउट से लावारिस जिसकी कोई पहचान नहीं, यतीम होता है, यू कैन जस्ट से दैट।
सो एग्जाम्पल लेते हैं इस टावल की, ओके? सो ये टावल जो है आप देख रहे हो, ये एरो के साथ, इसका एक ही सेलर है महीने का $1.9 million रेवेन्यू बना रहा है। दूसरा अगर आप लेफ्ट पे देखें, एस एन नंबर B07S, हमाम का जो ब्रांड है, ये एक ही सेलर है और ये 8 लाख बना रहे हैं। फार लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, इसके 3 सेलर है और ये ऑलमोस्ट $500,000 बना रहे हैं। अब पहले आप ये सोचें कि अगर आपने कामयाब बनना है, सबसे पहले क्या आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। हमेशा दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो बेस्ड ऑन लोगों के प्रॉब्लम्स पे बने हैं, और लोगों का प्रॉब्लम पता करने के लिए लोग रिव्यूज़ पे जाते हैं, डिफरेंट जो है एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से पता करते हैं कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है मामूल की ज़िंदगी में। अगर हम अपने घर में देखें, हमारे घर में लेट्स से बाथरूम में टॉवल कितना लाजिम है, राइट? हर दिन जो है बंदा शावर लेता है, सुबह भी लेता है, रात को भी शावर लेता है। सो टॉवल के बिना इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो डेफिनेटली दुनिया में क्लोज टू 8 बिलियन लोग हैं और 8 बिलियन लोग जो है टॉवल यूज़ करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपने आना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल आप $1,000 से शुरू कर सकते हो, होल सेल भी आप $1,000 से शुरू कर सकते हो। लाजिम बात नहीं कि आपके पास $1,000 हो, ये बिल्कुल ग़लत बात है। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, छोटे से शुरू करो। डोंट थिंक अबाउट, थिंक बिग। वो कहावत तो आपने सुनी है, राइट? गरीब लोग कहते हैं कि दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। जो बंदा करोड़ों की बातें नहीं करता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। मैं हमेशा फिगर्स को मिलियंस में काउंट करता हूँ। मैं कभी भी मुझे मिलियन से नीचे काउंट अच्छा नहीं लगता है। आई ऑलवेज काउंट इन मिलियंस। क्यों? क्योंकि मैं एक मिलियनर इंसान हूँ और मुझे हज़ारों की गिनती, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक इट। लेकिन अगर आपने बॉटम से आना है तो आपने एक की गिनती सीखनी होगी, 10 की 50 की 100 की। यू गॉट डू इट। सो एक स्टेप होता है, फिर लोग दुनिया में बिलियनर्स हैं जो $1 billion से कम गिनती पसंद नहीं करते। जैसे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास $200 billion है, जस्ट आस्क हिम, उनको मिलियन की गिनती जो है पसंद नहीं, क्योंकि दे आर बिलियनर्स। जैसे मैं मिलियनर हूँ, मुझे मिलियन से कम गिनती पसंद नहीं। सो ऑल आई से, राइट टूल्स यूज़ करो। ये जो एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ जंगल स्काउट का, इसका मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो है A to Z बताया है। मेरी यूनिवर्सिटी में जो है आपको ऑल मॉडर्न वेल्थ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। करंटली हमारे पास जो है 8 कोर्सेज है। हमने रियल स्टेट का कोर्स भी जो है पब्लिश किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। हम अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी ऐड करेंगे कि फनल कैसे बनाओगे एंड ऑल। ये मैंने एग्जांपल टॉवल्स का इसलिए दिया, आप देखिए बीच टॉवल्स, ओके? सिंस मैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आया हूँ तो मैंने यहाँ पे बीच पे हज़ारों लोगों को देखा है। सो लेट्स से बीच टॉवल्स देखते हैं कि बीच टॉवल्स का कैसे सेल जा रहा है। सो व्हेन वी कम टू बीच टॉवल्स, ये सारे बीच टॉवल्स है, अलीबाबा से आराम से मिल जाते हैं आपको। सो ये टॉवल जो है आई थिंक बेस्ट सेलर्स। Let me refresh it. Okay, load हुआ। Sorry, internet जो है मेरा यहाँ पे island पे इतना अच्छा नहीं है, पर anyway, it worked. So ये beach towel जो है आप देख सकते हो कि 2 seller sell कर रहे हैं और $71,000 बना रहे हैं। सो ये बंदा जो है 50,000 बना रहे हैं, 2 seller है। सो इसका मतलब कि सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो इतना ख़ास रिस्पांस नहीं बीच टॉवल का, क्योंकि दुनिया में हो सकता है कि कम लोग बीच पे जाते हो, बट जो रेगुलर टॉवल मैंने अभी आपको दिखाए, लेट्स गो बैक इस टॉवल कंपेयर टू बीच टॉवल्स, इन टॉवल्स का सेल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर एक घर में कंज्यूम होता है। हो सकता है ऐसे लोगों बीच पे ना जाते हो, राइट? सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप टॉवल सेल कर सकते हो, आप सब कुछ सेल कर सकते हो, यू कैन डू मच मोर। सो होलसेल, प्राइवेट लेबल,
मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से शुरू करो। अमेज़न FBA जो है 100% पैसिव तब हो जाता है जब आपका एक ब्रांड बन जाता है और आपका सप्लायर जो है आपको राइट अवे प्रोडक्ट सेंड करे, लेकिन पहले कोई भी चीज़ पैसिव नहीं, क्योंकि आपको लिस्टिंग करनी होगी, आपको प्रोडक्ट हंट करना होगा, इट टेक्स टाइम। अगेन कामयाबी जो है ये एक दो दिन का गेम नहीं, यू गॉट टू वर्क हार्ड मिशन। अगर आप एक चीज़ काम करो तो कंसिस्टेंसी से जो है उस चीज़ पे फोकस करना है एंड गिव अप नहीं करना। ये नहीं कि अगर एक प्रोडक्ट फेल हो जाए और तुम जस्ट गिव अप, नो यू नॉट गोना गिव अप। पे बीच कहते हैं, यहाँ पे हमने रिजॉर्ट को जो है बुक किया है, ये बीच के बिल्कुल पास ही है। सो जिस जगह पे मैंने रिजॉर्ट लिया है ये माउंटेन साइड पे है। अगर बीच के पास लेते हो तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, सो इस वजह से मैंने माउंटेन साइड पे जो है अपने लिए रूम लिया है ताकि बीच का पानी का शोर जो है रात को कम हो। सो कभी भी अगर आप यहाँ पे आओ तो हमेशा जो है बीच साइड रूम को जो है अवॉइड करिए, रात को फिर आपको नींद नहीं आने वाली। इस जगह को केन गार्डन बीच कहते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको साफ सुथरा जो है बीच मिल जाता है। ये आइलैंड इतना बड़ा नहीं कंपेयर टू US। US के आइलैंड्स जो है बहुत ही मेंटेन है, साफ है और आपको ज़्यादा सहूलियात मिल जाती है। सो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ बिल्कुल ही बेकार है, हमने तो गाड़ी रेंट की है टोयोटा। सो इसलिए टोयोटा रेंट की है क्योंकि उसका जो है $60 पर डे है। डेफिनेटली लग्जरी गाड़ी मैं रेंट नहीं करता क्योंकि पैसे जो है फजूल जगह पे देना अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, बहुत ही सुकून है, लोग स्ट्रेस फ्री है। सो हमेशा आइलैंड पे जाने का फ़ायदा ये है कि आपको कल्चर का पता चल जाता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और अल्लाह ने जो है इस दुनिया को और मखलूक ने जो है इस दुनिया को कितना गंदा बना दिया है। सो अगर आपने इन आइलैंड्स पे आना है डेफिनेटली जो है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन अगेन अगर आप किसी के ग़ुलाम हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस होगा कि मुझे कब जाना होगा। सो कभी भी ट्रिप से जाने से पहले हमेशा फ्रीडम हासिल करें। असल फ्रीडम जो है इंसान को पैसे और बिजनेस। नसीब खुद बनाएं, आपने हमेशा गरीब लोगों को सुना है राइट, नसीब की बात है, नसीब में नहीं। नो, हमेशा लूज़र लोग नसीब के बारे में बात करते हैं कि वो लकी था। नो, जिस दिन आपने अपना नसीब खुद बनाया आप दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान होते हो, क्योंकि नसीब लिखने वाले लोग, अपना नसीब बनाने वाले लोग अपने थॉट्स को जो है अमीर रखते हैं, और हमेशा इंसान थॉट से अमीर होता है पहले। और आपके पीछे जितने भी पुल्स है, जितने भी ब्रिजेस है, सबको जला दो। तुम्हारे पीछे जो नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जो तुम्हारे पैरों को खींचते हैं, नहीं हो सकता। नो, तकदीर अल्लाह बनाता है, लेकिन तकदीर भी जो है इंसान दुआओं के साथ मेहनत से चेंज हो सकती है। ओ आई से कि हमेशा अपना नसीब खुद बनाओ, अपने लिए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच रखो, अपना जो है प्लान लूजर्स को मत बताओ, अपने दोस्तों को। एक तो गरीब लोगों के साथ बैठो ही नहीं। आप गरीब लोगों से मेरा मतलब क्या है, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जो हमेशा लूज़र रहता है, जो हमेशा ये सोचता है कि सब कुछ चीज़ें जो है दौलत को जो है अगर उसके पास नहीं आती तो दौलत को या तो फितना करार देता है या लक करार देता है या कहता है खबर नहीं लेके जा सकते। नो, हमेशा टॉर्च को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। तुम्हारे पीछे जितने भी पोल्स है, लोगों को नेगेटिविटी सब जला दो, अकेला रहो, और हमेशा अपने नसीब को जो है ख़ुद इस हाथ से बनाओ कि मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बनती। देखे, इंसान की असल कामयाबी उसका पैसा है, इंसान की असल कामयाबी उसका बिजनेस है।
अगर कामयाबी ये फजूल बातें हैं कि कामयाब वो है जो खुश हो, कामयाब वो है जो सुकून की रोटी का, नो, कामयाब वो है जिसका बिजनेस हो, कामयाब वो है जिसके पास फ्रीडम हो। अब मेरे पास फ्रीडम है, मैं दुनिया भर घूमता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसिव इनकम है, सो आपने भी ऐसा ही बनाना है। ये नहीं कि बस कुछ भी कहो और तुम, और हमेशा इन्फोप्रेनोर से आपने बचना है जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बना के ऑनलाइन आके कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, नो, हमेशा इंसान की तस्दीक करो कि ये जो इंसान ये कह रहा है क्या इसके पास है या नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेंटली कैसे ख़रीदोगे, तुम तस्दीक करो कि शाहिद अनवर के पास है या नहीं, मेरे पास है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मिलियनेयर कैसे बनोगे, तस्दीक करो कि यार शाहिद भाई कुछ तो ऐसा एसेट दिखाओ जो मिलियन डॉलर का हो, पहले तुम बनो फिर मुझे कहो। अब मसला ये है हमारे लोगों में कि इंस्टीट्यूट जाते हैं, बंदा कह रहा है मैं मिलियनेयर हूँ, प्रूव इट, तुम नहीं हो मिलियनेयर। बंदा कहते हैं आज़ाद, ऑनलाइन लोग आते हैं, आज मैं तुम्हें अमेज़न सिखाता हूँ, नो, डोंट लिसन टू देम। इस जगह को रॉयल पैराडाइज कहते हैं, यहाँ से सारे बोट्स आपको मिल जाते हैं अगर आपने ट्रिप पे जाना। वेदर जो है यहाँ पे एरीज में बहुत ही जबरदस्त वेदर है। यहाँ पे ये पास में जो है इंडियन बाई का रेस्टोरेंट है, ओमार, हलाल है। ये इंडियन लोग जो है बहुत आगे है यार, मैं दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ, अलास्का में भी पहाड़ों में इनका बिजनेस है, रेस्टोरेंट का, ज्वेलरी का। सीखो सीखो। बात करते हैं रियल स्टेट के बारे में कि रियल स्टेट में आप अपना जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। अगर रियल स्टेट लेवरेजिंग करते हो, लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आप बोरो मनी से, कर्ज से अगर शुरू करते हो, ऑब्वियसली हम मुसलमान वो नहीं करते, लेकिन अगर कोई और मज़हब का बंदा ये करता है विच इज़ फाइन, लेवरेज में उनको फ़ायदा होता है, हम मुसलमानों के लेवरेज में खसारा है, सो वी डोंट डू दैट। मैं हर महीना एक एक यूनिट बाय करता हूँ, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं कि मैं क्लोजिंग कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं हर महीना ई कॉमर्स से $1 million बनाता हूँ। सो उस $1 million से मैं हमेशा हर एक महीना 2-2 लाख निकाल के यूनिट्स इसलिए ख़रीदता हूँ क्योंकि ये जनरेशनल वेल्थ है, डिवर्सिफिकेशन बहुत लाजमी है। सो मैं आपको अपना ये 5 यूनिट अपार्टमेंट जो है, 5 यूनिट का बिल्डिंग है मेरे पास, मैं आपको जो है अपने रेंट पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये 6 महीनों का जो है आप मेरे लिए ईयरली जो है 70,000 से लेके 80,000 तक कुछ किए बगैर ये प्रॉपर्टी कैश फ्लो देता है और ये नेट है बचत। सो 70-80,000 बनाने के लिए एक बंदा हर सुबह उठता है, नहाता है और गधे की तरह जो है काम करता है
छुट्टी ना तो छुट्टी किसी और के इशारों पे नाचता है। सो कौन सा अच्छा हुआ, फ्री में 80,000 साल का अच्छा हुआ या काम करके? डेफिनेटली फ्री में पास। सो अगर आपने शुरू करना है डेफिनेटली आपको कैश फ्लो अच्छी चाहिए। मैंने रियल एस्टेट का कोर्स भी पब्लिश किया है, उस कोर्स में मैंने आपको ए टू जी सिखाया है कि रियल एस्टेट बाय कैसे किया जाता है, लेवरेजिंग भी सिखाया है, और आप लोगों को एक असाइन कंपनी दी है, आपको कुछ नहीं करना होगा, वो कंपनी आपके लिए डील्स भी फाइंड करेंगे, आपका लोन, आपका टाइटल, एस्क्रो, क्लोजिंग सब कुछ आपके लिए करेंगे, आपके लिए टेनेंट फाइंड करना आपके टेनेंट का बैकग्राउंड चेक करना, आपके प्रॉपर्टी को रेंट पे डालना, वो कंपनी का काम होगा। और उस कोर्स में जो है आपको 24/7 असिस्टेंट दिया जाएगा उस कंपनी के थ्रू। और अगर आप अमेरिका से बाहर हो, किसी और मुल्क में हो, तो आपके लिए कंपनी बनाना, फिर उस कंपनी के ऊपर आपके लिए रियल एस्टेट बाय करना। अब उस कंपनी के थ्रू आप आ भी सकते हो अमेरिका, ई टू इज़ एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी कंपनी होगी और उस कंपनी के बेस पे आपका रियल एस्टेट होगा। सो डिवर्सिफिकेशन मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि हो सकता है आज से 100 साल बाद अमेज़न ना हो। सो एटलीस्ट मेरे जनरेशन को जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमेशा, जब तक इस दुनिया में इंसान कायम है, इंसान को छुपने के लिए सर पे छत चाहिए, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस जो है, जब तक इस दुनिया पे इंसान है, प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस कहीं नहीं जा रहा। हो सकता है 100 साल के बाद दूसरी कंपनी आके अमेज़न को टेक ओवर करे, यू नेवर नो 100 साल के बाद हम रहेंगे या नहीं, बट जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरेशनल वेल्थ है और पैसिव इनकम है। इससे जो है इससे ऐसे लोग हैं जो बिलियनर बने हैं फ्रॉम रियल एस्टेट बॉटम से। सो ये भी सब्र का गेम है। आप जो है ये नहीं कर सकते कि चलो उठे मुझे एक रात में जो है पूरा इस्लामाबाद चाहिए। नो, अगर पूरे इस्लामाबाद को ख़रीदना है, यू गॉट टू थिंक स्मार्ट, यू गॉट टू बी पेशेंट, आपको जो है काम करना होगा, डेफिनेटली बैकअप चाहिए, प्लान चाहिए। सबसे पहला स्टार्ट एक यूनिट से होगा, फिर दो, फिर आप बिल्डिंग्स को ओन करोगे, आपके टेनेंट्स होंगे, वहाँ से कैश फ्लो आएगा। सो पोर्टफोलियो ऐसे नहीं बनता, पोर्टफोलियो टेक्स टाइम। मैं जब अमेरिका आया था तो मेरे पास रहने को मकान भी नहीं था। मैं मुझे याद है मैं न्यूयॉर्क आया था और मैंने हैम्पटन इन मैनहट्टन में जो है अपने लिए रूम बुक किया था, बिकॉज मेरे पास घर नहीं था। आज मेरे पास जो है मल्टीपल यूनिट्स है, वहाँ पे टेनेंट्स है, आराम से मुझे रेंट आ रहा है, सारे टेनेंट सारे प्रॉपर्टी जो है पेड ऑफ है, आई गॉट द टाइटल्स। सो ऐसे होता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि ई कॉमर्स से जो है कैश फ्लो लेके इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट, डिफरेंट चीज़ों में डिवर्सिफिकेशन लाजिम है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट लाइक 7-8 सोर्सेज ऑफ इनकम। एक सोर्स पे डिपेंड मत रहो, यही आप चीज़ को आप यहाँ पे मार खा जाते हो, क्योंकि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो भी आपका एक्टिव जॉब, जहाँ पे यू ओनली पे चेक टू पे चेक एंड हैंड टू माउथ रहते हो। आई नो आई साउंड वियर्ड कि ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इट्स अ प्रोसेस, हर किसी को करना होगा। मुझे ना मेरे माँ बाप से कुछ मिला है ना ज़मीन, टू बी ऑनेस्ट टेक्निकली मेरे बाप के पास ज़मीन थी ही नहीं, तो क्या बेचते, कुछ भी नहीं था। मैंने बॉटम से शुरू किया है, काम से ही शुरू किया है, लोगों के साथ काम किया है, वो पैसा रादर देन कपड़ों पे, खाने पे या फजूल खर्ची में मैंने इन्वेस्ट किया है। ऐसे मैं नहीं बना। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई किसी को लगता है कि ये ओवरनाइट अमीर होने का तरीक़ा है, नो, आप गलत जगह पे हो। फिर आप जाके जो है दूसरे मुल्कों में जो लोग बैठे हैं, जो आपको ग्रीन गार्डन के बारे में बताते हैं कि आप अमीर, नो, इज़ अ मल्टी मिलियनेयर, इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर और इज़ अ मल्टीपल बिजनेस ओनर। मैंने सो फार जो है ये एक्सपीरियंस किया है, यू गॉट अ फॉल, आप गिरोगे, बट यू गॉट अ बैकअप, आपको जो है फिर से उठना होगा, यू गॉट अ स्टैंड। आपका जो है हो सकता है रेवेन्यू में डिक्लाइन आ सकता है, यू नीड टू हैव वर्क फोर्स, आपके पास लोग होने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक
कामयाब कारोबार को चलाने के लिए और उसे बनाने के लिए देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एक कामयाब कारोबार एक बेवकूफ़ इंसान के हाथ में दो तो वो कामयाब कारोबार ओवरनाइट ज़मीन पे गिर सकता है, लेकिन अगर एक बर्बाद कारोबार एक अच्छे इंसान के हाथ में दो जो न्यू मैनेजमेंट के साथ साथ विद डिफरेंट आइडियाज़ विद डिफरेंट क्लाइंट क्राइटेरिया आए विद डिफरेंट प्रोडक्ट आए डिज़ाइनिंग के साथ कस्टमर सर्विसेज के साथ, वो ज़मीन से उस बिज़नेस को उठा के स्काई रॉक कर सकता है। सो इट डिपेंड कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ को कितना सीरियस लेना है एंड स्टिक टू द प्लान। यू नो लाइक आपने परिंदों में एक परिंदा है, इसे पश्तो में छता कहते हैं, आई डोंट नो छती को उर्दू में क्या कहते हैं, वट एवर स्पैरो टाइप है, बट वो स्पैरो नहीं, वो स्पैरो टाइप परिंदा जो है एक ब्रांच पे नहीं टहरता, जंप मारता रहता है, बुम बुम बुम। आप वो ना बने, कंसिस्टेंसी से एक जगह पे बैठ के जस्ट लाइक थिंक अबाउट इट, हाउ यू गोना ग्रो, अगर मुझे चैलेंजेस आए, अगर प्रोडक्ट फेल हो जाए, अगर रेवेन्यू में डिक्लाइन आए, व्हाट शुड बी द प्लान, प्लान बी होना चाहिए, यानी सबसे पहले तो प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए ही है, प्लान ए क्या है, कामयाबी। सो औरतों की तरह मत बनो, डोंट कीप अ प्लान बी, प्लान बी जो है ओनली औरतें ही खाती है। सो रियल एस्टेट जो है इट्स अ गुड गेम लॉन्ग टर्म के लिए है। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि रियल एस्टेट को सीखे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रियल एस्टेट का कोर्स भी डाल दूंगा, आपको जो है अच्छी सपोर्ट मिलेगी कंपनी के थ्रू। आपके लिए प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट होंगे, प्रोफेशनल लोन ऑफिसर होगा, आपको जो है अच्छी तरीके से गाइड करेंगे आपके लिए डील फाइंड करना। देर इज़ आई थिंक कि आपके लिए ये काफ़ी है कि आपको इतनी अच्छी सर्विस मिले। बट अगेन अगर आपके पास अच्छी अमाउंट ऑफ कैश फ्लो नहीं, होल्ड ऑन टू इट, सीखो और जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है आराम से बढ़ाओ। आई नो अब आप लोग जो हो दोबारा इस वीडियो को देख के आप कहोगे कि मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता। देखिए हमेशा कहो कि मैं कैसे करूँगा, बट डोंट से दैट कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि विद द टाइम यू से मैं नहीं कर सकता, दैट्स वेयर यू मेस्ड अप। आपने ये नहीं करना है। सो आपने मेरा एफिलिएट भी देखा, आपको मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कहा, आपको मैंने अमेज़ॉन के बारे में भी कहा, आपको मैंने रियल एस्टेट के बारे में भी कहा, एयरबीएनबी शुरू करना चाहिए आपको, आर्बिट्राज, अगर आपके पास घर नहीं आप सब लीज़ करो, यू कैन गो अहेड एंड सब लीज़, इसके बारे में भी हमारे पास कोर्स है। ये सारे जो मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन तरीके हैं मेरी यूनिवर्सिटी में है। आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। आई गारंटी यू अगर आपका बच्चा मेरी यूनिवर्सिटी में जो है शामिल होता है, तो आपका बच्चा जो है कैन ग्रो फास्टर। आपका बच्चा जब बड़ा होगा 15-16 तक पहुंचेगा, उसे पता होगा कि व्हाट ही इज़ गना डू, उसका जो है कंपाउंड बिल्ड। अगर आपका बच्चा एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बनता है, अगर एक सक्सेसफुल जो है ट्रेडर बनता है, अगर आपका बच्चा जो है रियल एस्टेट में आगे जाता है, क्योंकि ये चीज़ें टू बी ऑनेस्ट आपके बच्चे को जो है स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आपके बच्चे को वो पुरानी थर्स्टिक्रो और न्यूटन के लॉज जो जो ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आने वाले। अब दुनिया बदल चुकी है, आई नो, पर आप लोग नहीं बदले, बट दुनिया बदल चुकी है। हर एक बंदे को पता है कि कॉलेज जो है इट्स अ बिग स्कैम, स्कूल जो है इट्स अ बिग स्कैम, टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इंसान के पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि अपने आधी ज़िंदगी जो है पढ़ाई में गुजारे। एज आई सेड एजुकेशन, अगर आप हमेशा एजुकेशन से ज़्यादा पैसे पे फोकस करो, क्योंकि हकीकी बात है इंसान एजुकेशन जो है ये फजूल बातें है, हमें रोशनी तालीम जो है, रोशनी नहीं ये टॉर्च, रोशनी अगर आपको रोशनी चाहिए जस्ट टॉर्च लगाओ यार, दैट्स इट, रोशनी है, दैट्स इट, ये फजूल बकवास मत करो। तालीम जो है अंधेरा, अंधेरा है बल्ब लगाओ, दैट्स इट, ये फजूल जो है किताबी ये अदबी बातें छोड़ो, जस्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर आपके पास पैसा है, रोशनी ही रोशनी है।
लोग आपके लिए कारपेट बिछा देते हैं. यू कैन डू मच मोर. आई नो आई एम साउंड सो वियर्ड कि अब ये क्या कह रहा है कि तालीम को जो है टॉर्च के साथ हकीकी जो 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 चीज़ हकीकी है वो हकीकी है. अगर एक बंदा कहे नहीं मैं तालीम पैसे के लिए नहीं कर रहा, ओके. अगर कोई कहे कि मैं डॉक्टर पैसे के लिए नहीं बना, ओके. अगर नहीं बने तो फिर फीस क्यों लेते हो चेकअप के लिए. अमेरिका में अगर बंदा जो है हॉस्पिटल में पुंगी भी करे तो उसकी भी चार्ज है, यू नो, दे विल सेंड यू अ बिल. अगर वकील देखो. सो आई वुड से कि एंड ऑफ द डे हम सब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, पैसा. सो जब मेन पॉइंट ही पैसा है देन इतना गोल गोल चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है. चलो गोल गोल चक्कर लगाते हैं आइलैंड का. आई थिंक आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, ट्रैवल भी करते हैं और आप लोगों को आइडियाज़ भी मिलता है कि व्हाट यू शुड डू. मर्ज़ी आपकी है. अगर आपने वो पुराने ख्यालात और अगर आपने पुराने लोगों को और अगर आपने इन्फोप्रेन्योर को सुनना बंद नहीं किया, सो अल्लाह मालिक.